तो गाइस, मैंने इंस्टॉल किया ये NGK के इरिडियम स्पार्क प्लग मेरे टाटा पंच में। कल मैंने इसे इंस्टॉल करवाया एक लोकल सर्विस सेंटर में ही, लोकल गैरेज में ही। टोटल 10 से 15 मिनट लगा और ये स्पार्क प्लग मुझे पड़ा अप्रॉक्स 590 रुपीज़ पर पीस। इसमें रेट लिखा हुआ भी है। मैंने ये अहमदाबाद के एक डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर किया था। ये एनजीके का इरिडियम स्पार्क प्लग, जिससे लोग बोल रहे हैं कि पंच का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है और माइलेज भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता है। तो एक ड्राइव रिव्यू करने वाला हूँ मैं। पहले वो स्टार्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या डिफरेंस आया कि नहीं आया। ये हो गई है गाड़ी स्टार्ट। मुझे लगता नहीं है कि वाइब्रेशन में कोई डिफरेंस आया, साउंड तो वैसा ही है। मेन अपने को देखना है कि ड्राइव में क्या फ़र्क है। जो एक इशू थोड़ा बहुत लोग फेस कर रहे थे वो था लैग। हार्ड एक्सेलरेशन में पंच थोड़ा लैग कर रही थी और पिकअप काफ़ी लो था। तो वही देखते क्या इससे फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो ये थोड़े बहुत ड्राइव करने के बाद मुझे थोड़ा डिफरेंस तो पता चल रहा है। जैसे भी मैं फोर्थ गियर में हूँ, ड्राइव काफ़ी स्मूथ और एक्सेलरेशन देने पे पिकअप ठीक ले रही है गाड़ी। तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो वो लैग है वो काफ़ी कम हो गया है। जो लैग हमें फील हो रहा था पंच में वो काफ़ी कम हो गया है। बाकी वाइब्रेशन साउंड वैसा ही है, इंजन साउंड एंड वाइब्रेशन, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा अपग्रेड किया जा सकता है आपके टाटा पंच में, अगर आपको अगर वो लैग प्रॉब्लम कर रहा है तो। यहाँ पे मैं फिफ्थ गियर में हूँ और हल्का सा भी एक्सलेटर टैप करने पे इंजन का रिस्पॉन्स ठीक ही आ रहा है, मतलब पहले से बेटर है काफ़ी। जो भी ओरिजिनल स्पार्क प्लग्स थे, इरिडियम स्पार्क प्लग का रिस्पॉन्स उससे थोड़ा बेटर तो है, नो डाउट। जो जो इनिशियल लैग था वो भी काफ़ी कम हो गया है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करके फर्स्ट गियर या सेकंड गियर पे थोड़ा सा एक्सीलरेट करते थे, ड्राइव भी नॉर्मल लग रहा है। बाकी माइलेज का तो एग्जैक्टली अभी नहीं बोल पाऊँगा, हो सकता है कि 1-2 किलोमीटर का फ़र्क आए, क्योंकि कंबशन बेटर हो रहा है उस स्पार्क प्लग से। तो 1-2 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क पड़ सकता है माइलेज में। ठीक है गाइज, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और आप लोगों को भी अगर वो लैग का इशू लग रहा है तो आप लोग ये छोटा सा एक अपग्रेड कर सकते हो अपने टाटा पंच में। वैसे मेरा वाला ये फेज़ वन है, BS6 फेज़ वन जो मैंने लॉन्च पे ली थी, तो इसमें थोड़ा लैग ज़्यादा था। अब सुनने में आ रहा है कि वो अभी नए वाले मॉडल में वो काफ़ी कम हो गया है, BS6 फेज़ टू में। ठीक है दोस्तों, फिर वापस मिलते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।